हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं गाइस कि आप अच्छे होंगे। और आज का हमारा न्यू ब्लॉग गाइस, और आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो कि आप देख करके बेहद खुश होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। आज हम आपको अपने घर के फ्लावर दिखाएंगे जो कि हमने बहुत सारे लगा रखे हैं। यहाँ पे छत में भी लगे हुए हैं और बालकनी में भी हमारे लगे हुए हैं, जो हम आपको आज वीडियो द्वारा दिखाएंगे किस किस तरह के पेड़ हमने लगाए हैं प्लांट, और कैसे पेड़ हैं, कैसे तैयार किए हुए हैं आपको हम दिखाएंगे। आप यूँ ही वीडियो में बने रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं। ये जो आप फूल देख रहे हैं ये सदाबहार के पेड़ हैं गाइस, और ये सदाबहार का ही फूल खिला हुआ है पिंक कलर का। आप देख सकते हैं कितने सुंदर और कितने पिटी दिख रहे हैं ये, कितने वेस्ट, कितने सुंदर पेड़ हैं ये देखिए। और इसी के साथ में ये गुलाब का पेड़ लगा हुआ है जो कि आप देख रहे हैं। और देखिए ये बैंगन का पेड़ है जो आप देख रहे हैं इसमें। ये देखिए, आपको मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए बैंगन भी लगे हुए हैं इस पे। ये वाइट कलर के बैंगन है जो कि इसमें वाइट कलर का ही बैंगन निकलता है। ये देखिए आप देख सकते हैं पेड़ में लगे हुए हैं और कितने प्यारे दिख रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है गाइस, जो कि हमने इसको पेटी में लगा रखा है, और इसमें बैंगन भी लगे हुए हैं। और ये देखिए, ये है हमारा गेंदे का पेड़ जो कि गेंदे में भी फूल खिले हुए हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं, आपको खिले हुए फूल भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ हो गया है। तो इस तरह के काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं गाइस हमारे। और ये तुलसी मैया है जो कि हर घर में तुलसी पाई जाती है। ये देखिए ये काली तुलसी है जिसको जिसका नाम इसका होता है श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी के नाम से ये वाली तुलसी जानी जाती है। और ये हमारा एलोवेरा का पेड़ है, ये देखिए गमले में लगा हुआ है और कितना बड़ा हो गया, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा दिख रहा है ये पेड़। और ये देखिए, ये कल दोपहरी के पेड़ हैं जिसको बोलते हैं, कल दोपहरी का पेड़ है ये। इसमें भी ये धूप में खिलता है और धूप बहुत अच्छी है गाइस, इसीलिए जैसे जैसे धूप इसको मिलती है वैसे ही ये फूल खिलते हैं। ये देखिए, और ये अमरूद का पेड़ है जो कि हमने छत में लगाया हुआ है। ये हमारे घर में है, पीछे छत में लगा हुआ है, और इसमें एक फल भी निकला हुआ है। ये देखिए अमरूद का, आपको दिखाती हूँ, अभी बड़ा नहीं हुआ है, अभी छोटा सा है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर अमरूद लगी हुई है इतने छोटे पेड़ में, क्योंकि ये हाइब्रिड पेड़ है जो कि अमरूद का, हम इसको लेके आए नर्सरी से। ये देखिए ये शमी का पेड़ है जो आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने अपने छत पे लगा रखा है। और ये शमी का पेड़ कितना बड़ा है, गमले में लगाया था इसको जब लेके आए थे नर्सरी से, छोटा था, और अब इतना बड़ा हो गया है। इस शमी के पेड़ की हम पूजा करते हैं, जो कि इसकी पूजा सैटरडे को होती है, यानी शनिवार को हम इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये शनि देव का पेड़ माना जाता है। जैसे कि मंदिर में शनि देव की लोग पूजा करते हैं, मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं या कुछ भी है, घर में सुख शांति के लिए इसको घर में पूजा जाता है, इसीलिए हम इसकी घर पे पूजा करते हैं। और ये नींबू का पेड़ है, ये देखिए ये नींबू का पेड़ है जो कि इसमें एक नींबू भी लगा हुआ है, लेमन जिसे बोलते हैं। ये भी नर्सरी से हम लेकर आए हुए हाइब्रिड पेड़ है। ये देखिए इस पर लेमन भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, जो कि आपको साफ वीडियो द्वारा हम दिखा रहे हैं घर के अपने सारे प्लांट। और ये गुलाब है, ये देखिए गुलाब में कली खिली हुई है जो कि ये खिलेगा फूल इस पर। ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है गुलाब का हमारा। और ये है अनार का पेड़, ये भी हम हाइब्रिड पेड़ लेके आए हैं नर्सरी से, ये भी हमने बड़े गमले में लगा रखा है। आप गमला भी देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। ये देखिए अनार का पेड़ कितना सुंदर है। और अब हम चलते हैं, ये तो हमारे छत में है, जो कि हमने छत में इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं जो को आपको वीडियो द्वारा मैंने दिखाया, और कुछ पेड़ हमारे बालकनी में रखे हुए हैं जो कि मैं आपको बालकनी के भी पेड़ अपने दिखाऊंगी।
काफ़ी। ये देखिए ये हमारी बालकनी है जो कि हम छत में फ्रंट पे आए हुए हैं, और ये हमारी फ्रंट में हमने ये कुछ गमले लगा रखे हैं, पेड़ पौधे हैं जो कि आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं। ये हमारा मनी प्लांट का पेड़ है जो आप देख रहे हैं, ये देखिए। और मनी प्लांट हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं इसको, और ये देखिए कई तरह के फूल हैं जो कि आप देख रहे हैं, 100 पीस के भी हैं, फ्लावर हैं। ये गुड़हल का पेड़ है, ये देखिए कितना बड़ा हो गया है गुड़हल हमारा, इसमें कली भी खिली हुई है, आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए, ये देखिए इस पर पिंक कलर की का गुड़हल निकलता है और इस पर रेड कलर का गुड़हल निकलता है। ये भी गुड़हल का ही पेड़ है, मैंने कई तरह से पेड़ लगा रखे हैं। ये देखिए ये देखिए कितने सारे पेड़ हैं। ये देखिए छोटी छोटी पत्ती का पेड़ है जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये पेड़ कभी सूखता नहीं है, हमेशा ऐसे ही बस पानी लगाना पड़ता है, जो कितना सुंदर और कितना फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, सुंदरता बढ़ाता है घर की बालकनी में, इसीलिए हमने इसको रख रखा है। और ये देखिए देख सकते हैं आप कितना अच्छा पेड़ है, इनकी सेवा करते हैं और सुंदर लगते हैं, घर की शोभा बढ़ाते हैं, इसलिए हमने इतने सारे पेड़ लगाए हुए हैं। और ये हमारा कनेर का पेड़ है जो आप देख रहे हैं, कितने सारे फूल खिले हुए हैं। ये देखिए मंदिर में भी हम पूजा करते हैं, चढ़ाते भी हैं, और आपको हम दिखा भी रहे हैं। तरह तरह के पेड़ हमारे घर में हैं जो कि हम आपको वीडियो द्वारा दिखाया है। और ये है गेंदा, इतना बड़ा हो गया है, ये सर्दी में इसमें फूल आएंगे, ठंड पड़ने लगी है, अब इसमें फ्लावर खिलेंगे। ये देखिए गाइस, और ये हम आपको अपनी कॉलोनी दिखा रहे हैं, जो कि हमारी कॉलोनी से पीछे एक कॉलोनी कट रही है जो कि उसमें प्लॉट बिके हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे किस तरह से मजदूर लगे हुए हैं काम करने में, आप देख रहे हैं वीडियो में, चारों तरफ काम ही काम चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी मकान यहाँ प्लॉटिंग हो रही है और काफ़ी घर बन भी रहे हैं। देखिए एक बनकर तैयार भी हो गया जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और ये देखिए मजदूर जगह जगह चल रही है, आपको मैं अपनी यहाँ की कॉलोनी दिखाती हूँ। ये देखिए काम चल रहा है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से काम लगा हुआ है, जो कि यहाँ रुद्रपुर में काम चल रहा है इस वक्त यहाँ पर जहाँ। और ये यहाँ पे गाइस ये देखिए पीछे खेत भी हैं जो कि आपको वीडियो में दिख रहे होंगे, और ये इसमें धान बोए हुए थे, धान कंपाइन चल चुकी है जो कि कंपाइन ने धान काट दिया हुआ है। और ये पास में देखिए ट्रैक्टर चल रहा है उधर वहाँ पर पीछे, क्योंकि अब इसमें गेहूं की बुआई होगी, धान कट चुके हैं। हाय फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक बात है कि करवा चौथ आ रहा है, आप सबको पता है 1 नवंबर को करवा चौथ है, जो कि भी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, उसी तरह आज हम भी। और थोड़ा सा हमने एक ब्लाउज मंगाया था जो कि उसमें हमको काज हुक करने हैं, और मैं आपको वो ब्लाउज दिखाऊंगी और काज हुक भी करूँगी, आप देखना कैसा लगता है। ये देखिए फ्रेंड, ये ब्लाउज है हमारा जो कि इसमें हमको काज और हुक भी बनाने हैं और लगाना है हमको बीच से कट करके, क्योंकि ये रेडीमेड आया हुआ है ब्लाउज हमारा, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था साड़ी, और उसी के साथ में ब्लाउज भी है रेडीमेड, तो इसको मुझे कंप्लीट करना है अपने हिसाब से, जो कि मैं आज करूँगी, आप वीडियो में देखेंगे। तो गाइज ये ब्लाउज कैसे लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, कितना सुंदर लग रहा है गाइज। ये देखिए इसकी कढ़ाई कितनी सुंदर है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं और देख भी रहे हैं। ये देखिए, और कलर भी बहुत ही प्यारा है, जो कि पूजा में लोग सभी पहनते हैं, रेड कलर येलो कलर सभी पसंद करते हैं पूजा में पहनना, उसी तरह मैं भी यही साड़ी पहनूंगी करवा चौथ में, जो कि इसीलिए ये ब्लाउज मैं कंप्लीट कर रही हूँ जो कि करवा चौथ में मुझे पहनना है। तो आप यूँ ही वीडियो में बने रहें। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए हमने अपना ब्लाउज बीच में से पीछे का, ये पीछे का भाग है जो आप देख रहे हैं, और मैंने इसमें कट लगा लिया है ये बीच से, और अब हम अलग से कपड़ा की पट्टी बनाएंगे, फिर इसके बाद हम इसे में ज्वाइंट करेंगे पट्टियाँ। तो हम बराबर से एक ये अस्तर है जो कि अस्तर की पट्टी लगेगी, और ये कपड़ा है जो कि कपड़े की पट्टी एक लगेगी, एक तरफ अस्तर लगता है और एक तरफ
कपड़े की पट्टी लगती है। तो अब हम इनको बराबर करके दोनों पट्टियों को निकाल लेंगे इसमें जॉइंट करने के लिए। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। हाँ गाइस, ये देखिए हमने दो पट्टी निकाल ली है, एक ये हमने कपड़े की निकाली है और एक ये अस्तर की निकाली है। बराबर से करके हमने निकाल लिया है। तो अब हम एक तरफ अस्तर की पट्टी लगाएंगे और दूसरी तरफ कपड़े की पट्टी लगाएंगे। तो अब हम पहले अस्तर की पट्टी लगाएंगे। सीधे कपड़े में रखेंगे, इसको हम उल्टी तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए गाइस, आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मैंने पट्टी लगा दिया है और देखिए कहीं आपको सिलाई लगी हुई नहीं है और आपको लग रहा है सेम कितनी सुंदर लग रही है और फिनिशिंग भी आई हुई है। और इसी तरह सेम हम दूसरे भाग को भी ले लेंगे जो कि ये है। इसमें हम कपड़े की पट्टी लगाएंगे। आप देख रहे हैं ये हमको इसमें कपड़े की, उसमें हमने उल्टे से सीधे लिया था और इसमें सीधे से हमको उल्टे में लेना है। तो इसको हम सीधी तरह से रखेंगे और रखने के बाद अंदर को फोल्ड कर देंगे। सेम वैसे ही बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी हमने पट्टी लगा दी है। अब इसमें हम काजुक करेंगे। ये देखिए पट्टी हमारी दोनों तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए गाइस, ये हमने बराबर से रख दिया है ब्लाउज। और ये देखिए हमारे दोनों पट्टियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसमें काज और हुक बनाएंगे, उसके बाद ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ब्लाउज बनके कंप्लीट हो चुका है, हमने कंप्लीट किया हुआ है। ये देखिए हमने काज और हुक भी लगा दिए हैं। ये देखिए मैंने काज बनाए हैं, आपको पास से दिखा रहे हैं। और ये मैंने हुक लगाए हुए हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं। और ब्लाउज हमारा हो गया है कम्प्लीट। ये देखिए अभी करवा चौथ के लिए रेडी हो गया ब्लाउज मेरा बनके। अब हम इसको कभी भी पहन सकते हैं। ये देखिए, हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखा दिया है ब्लाउज भी मेरा हो गया है। और लगभग जो भी मैंने दिखाया है आपको कैसा लगा गाइस? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें।